गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है एसेट्स डाउनलोड। अगर मैं जाऊँ स्लाइड पे, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो सेशंस में डिस्कस किया है कि हम एक क्रेड एप्लीकेशन के ऊपर काम करने वाले हैं और वो जो क्रेड एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे वो होगा हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास जो ऑपरेशंस होंगे वो होंगे क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। इस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम कुछ लेआउट्स भी क्रिएट करेंगे फॉर लिस्ट एम्प्लॉय, एट एम्प्लॉय, एडिट एम्प्लॉय। इन लेआउट्स को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ लाइब्रेरीज की भी नीड होगी। हम कुछ CSS लाइब्रेरीज को यूज़ करने वाले हैं और कुछ जावास्क्रिप्ट के jQuery प्लगइन फाइल्स को भी यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स मेंशन हैं, इन्हीं पॉइंट्स के तहत हम CSS के लाइब्रेरीज और जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरीज को डाउनलोड करने वाले हैं। जो पहला पॉइंट है हमारा वो है डेटा टेबल। इसके CSS लाइब्रेरी और jQuery की जावास्क्रिप्ट प्लगइन फाइल हम डाउनलोड करने वाले हैं ताकि हम इस प्लगइन को यूज़ करके हम एक लिस्ट एम्प्लॉय का एक अट्रैक्टिव सा लेआउट क्रिएट कर सकें, लाइक अ डेटा टेबल लेआउट। अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे, ये था हमारा डेमो एप्लीकेशन। यहाँ आप देख सकते हो एक डेटा टेबल है जहाँ पर हमारे पास एक सर्च ऑप्शन है, सॉर्टिंग ऑप्शन है, पेजिनेशन है, एक अट्रैक्टिव सा लेआउट है। इस बने बनाए लेआउट को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं डेटा टेबल के jQuery साथ ही साथ CSS की लाइब्रेरी फाइल्स। वहीं पर अगर मैं बात करूँ, अगर मैं जाऊँ एट एम्प्लॉय, अगर मैं क्लिक करूँ, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म है। बिना इनपुट फिल किए अगर मैं क्लिक करूं, हम देख सकते हैं हमारे पास कुछ वैलिडेशंस हैं। इस वैलिडेशन के लिए हम यूज़ करने वाले हैं अपने जावास्क्रिप्ट के प्लगइन फाइल को। नेक्स्ट है हमारे पास फॉन्ट ऑसम CSS लाइब्रेरी। इसे मैं क्लोज करूं, हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक आइकन डिस्प्ले हो रहा है। साथ ही साथ अगर इस लिस्ट में हमारे पास कुछ रोज होंगे, इस एक्शन कॉलम के अंदर हमारे पास दो बटन्स होंगे कॉल एडिट एंड डिलीट। फॉन्ट ऑसम आइकन की लाइब्रेरी हम यूज़ करने वाले हैं कुछ अट्रैक्टिव से आइकन्स को डिस्प्ले करने के लिए। नेक्स्ट हम इस प्रोजेक्ट में हम ये भी यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ बूटस्ट्रैप की CSS लाइब्रेरी। जितने भी लेआउट्स आप देख पा रहे हो, लाइक ये लिस्ट एम्प्लॉय की लेआउट, ये हमारा एक बूटस्ट्रैप का मॉडल जिसके थ्रू हम ऐड कर पाएंगे अपने एम्प्लॉय को। यहाँ पर हमारे पास एक्शन कॉलम में एक बटन होगा एडिट एम्प्लॉय। इन सारे लेआउट्स को क्रिएट करने के लिए हम एक बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी को भी यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट होगा हमारे पास टोस्टर लाइब्रेरी। टोस्टर लाइब्रेरी मीन्स कि जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे, जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेंगे, किसी भी एम्प्लॉय को डिलीट करेंगे, तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन अपीयर होगा। उस नोटिफिकेशन को क्रिएट करने के लिए हम कुछ प्लगइन फाइल्स को यूज़ करने वाले हैं। इस टोस्टर लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास एक CSS फाइल होगी और एक जावास्क्रिप्ट की jQuery प्लगइन फाइल होगी। इस वीडियो सेशन में गाइज हम एसेट्स डाउनलोड करने वाले हैं। एसेट्स इन द सेंस पब्लिक एक्सेसिबल फाइल। वो सारे CSS और जितने भी जावास्क्रिप्ट के प्लगइन फाइल्स हैं जो कि हम इस कोर्स में यूज़ करने वाले हैं, हम उन सभी फाइल्स को इस वीडियो में डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद हम अपने इस प्रोजेक्ट में सेटअप करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम डाउनलोड करने वाले हैं बूटस्ट्रैप की CSS लाइब्रेरी। मैं जाऊँगा ब्राउज़र पर और यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ बूटस्ट्रैप पैनल्स। जैसे ही मैं टाइप करूँगा बूटस्ट्रैप पैनल्स, हमारे पास फर्स्ट लिंक अपीयर होगा और वो है w3schools.com। मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसके डॉक्यूमेंट पे जाएंगे हम। मैंने बूटस्ट्रैप पैनल क्यों ओपन किया है, ताकि हम किसी भी एग्जाम्पल पे जा करके हम बूटस्ट्रैप की प्लगइन फाइल्स को डाउनलोड कर सकें। मैं क्लिक करूँगा यहाँ फर्स्ट लिंक पे ट्राई इट योरसेल्फ। जैसे ही हमने क्लिक किया, हमारे पास एक कोड सेक्शन ओपन हुआ। इस कोड सेक्शन में आप देख सकते हो हमारे पास कुछ लिंक्स हैं। इन्हीं लिंक्स के हेल्प से हम उन लाइब्रेरीज को डाउनलोड करने वाले हैं। मैं कॉपी करूंगा इस फर्स्ट लिंक को, कॉपी, ब्राउजर पे जाऊंगा, ओपन अ न्यू टैब, मैं इसे यहाँ पेस्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। ये है हमारा बूटस्ट्रैप की वर्जन 3.4.1 लाइब्रेरी फाइल। हम इसे डाउनलोड करने वाले हैं। राइट क्लिक, क्लिक ऑन सेव एज, और जैसे ही आप सेव एज पे क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएगी। चलिए इसे डाउनलोड करते हैं। राइट क्लिक, क्लिक ऑन सेव एज,
और मैं सेव करने वाला हूं अपने इसी फोल्डर में phpMySQLite crud-ajax, क्लिक ऑन सेव। हमने अपनी पहली बूटस्ट्रैप की फाइल डाउनलोड कर ली है। अब इसी कोड में हमारे पास जो दूसरा लिंक है वो है लिंक jquery.mean.js, मैं इसे भी कॉपी करूंगा, ओपन करूंगा, इसे भी डाउनलोड करने वाले हैं। सो राइट क्लिक, क्लिक ऑन सेव एज, इसे भी सेव करूंगा। हमारे पास जो थर्ड फाइल है वो है bootstrap.mean.js, मैं इसे भी डाउनलोड करने वाला हूं। सो कॉपी करूंगा लिंक को, पेस्ट करूंगा और राइट क्लिक, क्लिक ऑन सेव एज एंड सेव। सो सक्सेसफुल तरीके से हमने तीन लाइब्रेरी फाइल को डाउनलोड कर लिया अपने इस बूटस्ट्रैप की CSS लाइब्रेरी में। अब हम नेक्स्ट डाउनलोड करने वाले हैं अपने डेटा टेबल के प्लगइन फाइल्स को। मैं जाऊंगा ब्राउजर पे और इनको मैं क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर टाइप करूंगा डेटा टेबल, एंटर प्रेस करूंगा। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट लिंक अपीयर हुआ ये है डेटा टेबल की ऑफिशियल वेबसाइट datatables.net। मैं इसे ओपन करूंगा, सो इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो अगर डेटा टेबल के फीचर्स को यूज़ करना है इसके, तो इसमें हमें दो फाइल्स डाउनलोड करने होंगे, एक CSS की लाइब्रेरी फाइल और जो सेकंड है वो है JS की लाइब्रेरी फाइल। तो मैं इस CSS की सीरियल लिंक कॉपी करूँगा, ओपन अ न्यू टैब, पेस्ट करूँगा, प्रेस एंटर। सो ये है हमारा jquery.datatables.mean.css। राइट क्लिक, सेव एज एंड सेव। जो नेक्स्ट है हमारे पास JS की लाइब्रेरी फाइल, हम इसे कॉपी करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे, ओपन करेंगे, एंटर, राइट क्लिक, क्लिक ऑन सेव एज और हम इसे भी सेव कर देंगे। सो इसकी दो बेसिक फाइल्स थे जिसको यूज़ करके और एक मेथड को यूज़ करके हम डेटा टेबल के फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने करंट एप्लीकेशन में। सो फिलहाल के लिए हमें इन दो फाइल्स की नीड है, हमने वो डाउनलोड कर लिया है। तो अगर मैं जाऊँ स्लाइड पे, हमने अभी तक इसे डाउनलोड कर लिया है डेटा टेबल, ये भी हमने डाउनलोड कर लिया है। नेक्स्ट हम डाउनलोड करने वाले हैं क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन। मैं जाऊंगा ब्राउजर पे, सबसे पहले मैं इसे क्लोज करूंगा और हम टाइप करने वाले हैं validate.mean.js, एंटर प्रेस करेंगे हम। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक वेबसाइट लिंक ओपन है, दैट इज jquery.validation.org। हम इस पर क्लिक करने वाले हैं, क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल करेंगे और हम क्लिक करने वाले हैं डेमोज सेक्शन पे। डेमोज एक लिंक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ डेमो फॉर्म्स आए, अगर मैं क्लिक करूँ तो इस तरीके से हमारा वैलिडेशन लाइब्रेरी वर्क करेगा। तो हमें इसका सीडीएन लिंक डाउनलोड करना है, सो राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स या शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं Ctrl+U, और इसके सोर्स कोड में हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे अपनी फाइल को jquery.validate.js। इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर हमारे पास लाइब्रेरी की सीडीएन लिंक अवेलेबल है। मैं इसे कॉपी करूँगा या हम राइट क्लिक करेंगे इसे डाउनलोड करने के लिए, राइट क्लिक, क्लिक ऑन सेव एज, सेव। सो फाइनली हमने अपने थर्ड लाइब्रेरी क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन को भी डाउनलोड कर लिया है। नेक्स्ट हमें डाउनलोड करना है फॉन्ट ऑसम की CSS लाइब्रेरी। मेरे ब्राउजर पे जाऊँगा, सबसे पहले हम इसे क्लोज करने वाले हैं और यहाँ पर टाइप करेंगे फॉन्ट ऑसम CDN लिंक, प्रेस एंटर। यहाँ पर हमारे पास एक फर्स्ट वेबसाइट ओपन हुई है, वो है cdnjs.com। मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर हम वर्जन सेलेक्ट करने वाले हैं वर्जन 4.7। सो मैं स्क्रॉल करूँगा, स्क्रॉल करने के बाद हम यहाँ से वर्जन सेलेक्ट करने वाले हैं 4.7.0 और ये रही हमारी वो CDN लिंक। मैं इसे कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद हम न्यू टैब में इसे ओपन करने वाले हैं, राइट क्लिक, क्लिक ऑन सेव एज और हम इसे भी सेव करेंगे। सो सक्सेसफुल तरीके से हमने फॉन्ट ऑसम की CSS लाइब्रेरी को भी डाउनलोड कर लिया है। अब जो नेक्स्ट रहता है वो हमारा टोस्टर की लाइब्रेरी। ब्राउजर पे जाएंगे, सबसे पहले मैं इसे क्लोज करूँगा और हम यहाँ लिखने वाले हैं टोस्टर JS, एंटर प्रेस करेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास एक GitHub रिपोजिटरी ओपन हुई, मैं इस पर क्लिक करूँगा, स्क्रॉल डाउन
और यहाँ पर हम देख पाएंगे हमारे पास मिनीफाइड वर्जन में एक CSS की लाइब्रेरी फाइल अवेलेबल है, एक JS की लाइब्रेरी फाइल अवेलेबल है। सो हम इन दोनों को डाउनलोड करेंगे। मैं इन पे क्लिक करूँगा। ये रही हमारी toaster.min.js, राइट क्लिक, सेव एज, सेव। उसी तरीके से अगर मैं बैक जाऊँ, हमारे पास CSS की लाइब्रेरी है, सो मैं इस पर भी क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, सेव एज एंड सेव। सो सक्सेसफुली गाइज, हमने अपने सारे प्लगइन फाइल्स को डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड, अब एक एक करके मैं इन सभी फाइल्स को उनके रिस्पेक्टिव फोल्डर्स में मूव करूँगा। सबसे पहले हम सारे CSS फाइल्स को सेलेक्ट करने वाले हैं। सो जो फर्स्ट फाइल है वो है bootstrapmean.css, fontawesome.css, jQuery.datatables.mean.css और toaster.mean.css। सो इन सभी CSS फाइल्स को मैं कट कर लूँगा। लाइव फोल्डर के अंदर जाऊँगा, CSS फोल्डर के अंदर, और हम इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। सो हमने 4 CSS की लाइब्रेरीज को डाउनलोड किया है। मैं वापस से जाऊँगा, अपने सारे जावास्क्रिप्ट के jQuery प्लगइन फाइल्स को मैं कट करूँगा। लाइव फोल्डर, कोइंसाइड JS फोल्डर, और हम इसे पेस्ट करने वाले हैं। सो सक्सेसफुली हमने सारे लाइब्रेरीज को उनके रिस्पेक्टिव फोल्डर्स में हमने मूव कर दिया है। अगर मैं जाऊँ एडिटर पे, CSS ये हमने डाउनलोड किया, JS ये प्लगइन फाइल्स हमने डाउनलोड किया है। सो इसी तरीके से आने वाले वीडियोस में जब हम लेआउट्स के ऊपर काम करने वाले हैं, लाइक जो लेआउट्स हमने डेमो में देखा था, अपना ये लिस्ट पेज, एड एम्प्लॉय पेज, उसी तरीके से हमारे पास जो एक्शन बटन्स होगा, एडिट एम्प्लॉय पेज, सो उन लेआउट्स को क्रिएट करने के लिए हम इन्हीं लाइब्रेरीज को यूज़ करने वाले हैं। सो सक्सेसफुली गाइस, इस वीडियो में हमने सारे एसेट्स फाइल को डाउनलोड किया। एसेट्स कहने का मतलब है पब्लिक एक्सेसिबल फाइल्स, लाइक फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरीज, CSS की लाइब्रेरीज, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज, और अगर कोई भी इमेज जो हम यूज़ करना चाहते हैं वो सारे कहलाते हैं एसेट्स। सो नेक्स्ट वीडियो सेशन में गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने लेआउट्स का डेवलपमेंट वर्क। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।